अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आज हम कवर करेंगे कुछ ऐसे सम्स जिसकी आपके एग्जाम से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये सम्स सॉल्व करने के बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सम। जेंडर रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स। यानी कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। इन अ प्लेस द टोटल इनहेबिटेंट्स आर 1935000, आउट ऑफ विच 935000 आर फीमेल्स। वट इज़ द जेंडर रेशियो फॉर द प्लेस? तो सबसे पहले जेंडर रेशियो क्या होता है वो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जेंडर रेशियो यानी कि डिफाइन एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी कि कोई एक विलेज है जिसमें फॉर एग्जांपल कि फॉर थाउजेंड मेल्स देर आर 800 फीमेल्स। तो यहाँ पर तो वो पर्टिकुलर विलेज का जेंडर रेशियो 800 होगा। सिमिलरली कोई एक विलेज है जहाँ पे फॉर ईच थाउजेंड मेल्स वहाँ पे 1200 फीमेल्स है, तो उस पर्टिकुलर विलेज का जेंडर रेशियो 1200 होगा। आपको डिवाइड नहीं करना ये नंबर से, राइट? तो अभी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है कि कोई एक प्लेस है, इन अ प्लेस द टोटल इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आर 1935000, यानी कि 1935000, यानी कि 19,35,000, आउट ऑफ विच 9,35,000 टोटल, अप टू विच 9,35,000 आर फीमेल। हाउ मेनी आर फीमेल? 9,35,000। तो सीधी बात है, मेल्स कितने होंगे? मेल्स मेरे होंगे 10,00,000, 10,00,000 और 19,35,000, 19,35,000। तो मुझे पूछा क्या गया है कि जेंडर रेशियो क्या होगा ये प्लेस का। सो जेंडर रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन मेल्स, तो इट विल बी 935000 अपॉन 10,00,000। सो ये कैंसिल हो गया मेरा। तो फॉर एवरी 1000 मेल मेरे पास 935 फीमेल्स, यानी कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस में 935 फीमेल्स है, यानी कि फॉर एवरी 1000 मेल्स देर आर 935 फीमेल्स। तो जेंडर रेशियो यहाँ पे मेरा होगा 935। सो इस तरीके से आपको ये टाइप के प्रॉब्लम्स टैकल करने हैं। यहाँ पे आपको 0.935 या फिर कुछ डिवाइड नहीं करना है 5 के फैक्टर से या फिर 10 के फैक्टर से। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, ऑप्शन नंबर ए। सो नाउ द क्वेश्चन इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 11, 14 इज। और फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है कि 7, 11, 14 एंड अज्यूम करते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे हमारा एक्स है। तो ये चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शनल में है, यानी कि 7:11 इज प्रोपोर्शनल टू 14:x। सो देयरफॉर 7/11 इज इक्वल टू 14/x। तो यहाँ पे जो x का जो आंसर आएगा वो होगा x इक्वल टू 11 × 14/7, सो x = 22। तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज कि ये जो चार नंबर्स हो गए वो प्रोपोर्शनल में हो गए एक दूसरे के साथ इन द वे लाइक 7:11 and 14:x। सो यहाँ पे आंसर हमारा होगा D22। बहुत ही सिंपल सम था ये। सो ये आंसर इज D22। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x+y = x-y इज इक्वल टू 3/5 एंड x (y) इज पॉजिटिव। तो ये क्या इंप्लाई करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल x+y / x-y = 3/5 एंड x (y) प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो ऑप्शंस देख लेते पहले कि हमें इसका क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है कि नेचर ऑफ द वेरिएबल्स फाइंड करना है, तो वो हमें ऑप्शन से पता चलता है। तो जैसे एग्जाम्स में कभी भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि ऑप्शंस देख लो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक उनका जो नेचर रहेगा, उनका जो वेरिएबल जो भी वैल्यूज होगी एक्स एंड वाई की, उसका नेचर फाइंड करना है। तो एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, एक्स एंड वाई आर बोथ नेगेटिव, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव, नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एग्जिस्ट,
और none of this. No real solutions means कि complex number भी हो सकते हैं, but no real solutions exist. तो x plus y and x minus y. तो try करते हैं इसको solve करने की. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि component और dividend करते हैं. जो properties of ratio and proportion था, उसमें एक factor, एक properties था component और dividend कि a upon b equal to c upon d है. So after applying the rule of component or dividend, it will be a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. So yahi jo component or dividend ka rule hum yahan pe apply karenge to kya hoga ki hamara jo ye jo form hai wo reduce hoga a plus b mein, yani ki mujhe x upon y ke values mil jayegi, but at the same time mujhe RHS mein to mere already numbers hi hai, to wo to mujhe numbers hi denge. So mujhe ek reduced form mil jayega after applying component and dividend. So therefore after applying component dividend n nahi aayega yahan pe, it will be x plus y minus y upon x plus y minus x minus y equal to 3 plus 5 upon 3 minus 5. So ho gaya 2x, ye aapka hoga ब्रैकेट, जब आपके ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो x x कट होगा और ये हमारा 2y हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 3 प्लस 5 आपका 8 होगा और ये आपका माइनस 2 होगा. तो आपका x अपन y जो है वो हुआ 8 अपन माइनस 2 यानी कि माइनस 4. तो x अपन y की वैल्यू आई है आपकी माइनस 4. अभी मुझे क्वेश्चन में दिया है x इंटू y, सो वॉट विल आई डू इस कि आई विल मल्टीप्लाई दिस साइड ऑफ द इक्वेशन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई वाई. तो ये होगा एक्स वाई अपन वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4. तो वाई स्क्वेयर जो है वो तो मेरा ऑलरेडी वो तो स्क्वेयर है, तो वाई की कोई भी वैल्यू हो इसकी जो वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव ही होगी. सो एक्स वाई इक्वल टू माइनस 4 इंटू वन पॉजिटिव नंबर, बट एक्स वाई इज यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है कि एक्स वाई तो पॉजिटिव ही है, तो वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी वन पॉजिटिव नंबर इंटू माइनस 4, यानी कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ऑफ एनी नंबर, राइट. तो जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर का मेरा वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एन आया, राइट. तो कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट लोग या वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एन, तो सीधी बात है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वो आपका रियल नंबर्स नहीं आएगा. सो देयरफॉर नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एग्जिस्ट. जब वाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो सब्सिक्वेंटली आपका जो एक्स है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. तो यहाँ पे मेरा एक्स वाई पॉजिटिव था, तो वो हिसाब से मेरा वाई स्क्वेयर की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे नेगेटिव में आएगी. वाई स्क्वेयर इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज एक्स वाई पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो एट देन नेगेटिव ही होगा. सो वाई स्क्वेयर की वैल्यू नेगेटिव है, सो वो टाइम पे जब मैं स्क्वेयर रूट लूँगा तो मेरा वाई का जो वैल्यू होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जब मेरा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और एक्स जो है उसके साथ रेशियो में, तो एक्स भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. सो उस बेस पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि देर इज no real solution for x and y exist. Moving to next problem, if x is to y is equal to 7 upon 5, then what is the value of 5x minus 2y is to 3x plus 2y. यानी कि x upon y की value हमें दी गई है जो है 7 upon 5, और हमें values पूछी है 5x minus 2y upon 3x plus 2y. हमें ये जो expression है इसकी value पूछी है, right? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो मेथड होते हैं ये सब सॉल्व करने की. और पहले मेथड वन से करेंगे, मेथड वन और मेथड टू. मेथड वन में व्हाट वी विल डू इज़ कि ये जो नंबर है एक्स इज टू वाई, इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 7k एंड वाई इक्वल टू 5k. सो देयरफॉर ये जो वैल्यूज है वो हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 7k माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू होगी 5k अपॉन 3 इंटू 7k प्लस 2 इंटू 5k. तो 35 माइनस 10 अपॉन 21 प्लस 10, तो आंसर होगा 25 अपॉन 31. एक ये मेथड हो गई, और जो दूसरी मेथड होगी यानी कि आंसर हमारा सी होगा. और जो दूसरी मेथड है वो ये है कि आप x अपॉन y की जो वैल्यू है वो आप, वो आपको पता है 7 अपॉन 5 है. तो ये मैं ये एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में y से डिवाइड करूँगा. सो देयरफॉर 5x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y मेरा एक्सप्रेशन है, मैं इसको डिवाइडेड बाय y करूँगा बुद्ध साइड, तो ये होगा मेरा 5 इंटू
एक्स अपन वाई माइनस टू, बिकॉज यहाँ पे वाई अपन वाई वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्स अपन वाई माइनस प्लस टू, तो यहाँ पे एक्स अपन वाई की जो वैल्यूज़ है यानी कि सेवन अपन फाइव, वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा आगे जाके वो मेरा 25 अपॉन 31 ही होगा। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 25 अपॉन 31 बी। सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, चांसेस है 25 अपॉन 31। नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम्स दैट ऑफ वाई, आफ्टर 4 ईयर्स एक्स इज 4 टाइम्स एल्डर टू वाई, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वाई, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 6 टाइम्स दैट ऑफ वाई एंड आफ्टर फोर ईयर्स एक्स की जो एज होगी वो होगी एक्स प्लस फोर और जो वाई की जो एज होगी वो होगी वाई प्लस फोर। सो आफ्टर फोर ईयर्स द एज ऑफ एक्स इज 4 टाइम्स एल्डर टू दैट ऑफ वाई, सो देयरफॉर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई प्लस फोर, सो देयरफॉर एक्स प्लस फोर इक्वल टू 4y प्लस फोर। अभी एक्स की जो एज है वो 6y है यहाँ पे, तो 6y प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 4, सो देयरफॉर 6y माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 16 होगा, सॉरी, तो 16 माइनस 4, सो 2y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल टू 6। और हमें पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ y, सो y जो हमने अज्यूम किया था हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, मतलब स्टार्टिंग में, वो यही था कि y इज द प्रेजेंट एज ऑफ y, सो देयरफॉर y इक्वल टू 6, सो 6c इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ द प्रॉब्लम इज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2, 1:3 एंड 1:4, इफ इट्स पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि जो रेशियो दिया गया है वो वहाँ पे दिया गया है कि साइड्स, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो इट इज 1:2, 1:3 एंड 1:4। दिस रेशियो डजेंट लुक लाइक परफेक्ट रेशियो लाइक द वन वी हैव बीन यूज टू, लाइक a:b:c या फिर कोई भी एक नंबर, रियल नंबर्स 2, 3, 5। सो वॉट वी विल डू इज के वी विल मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाई द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस थ्री नंबर्स, सो द LCM ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस थ्री नंबर इज 12, सो 12/2, 12/3 एंड 12/4। यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द गिवन रेशियो बाई एनी नंबर, बट यू हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इट टू ईच एंड एवरी नंबर इन द रेशियो, सो इट विल बी 6, 4, and 3। So this ratio is reduced down to 6, 4, and 3. Now coming to question, के हमें question में दिया गया है कि its perimeter is 52 centimeter. Perimeter means some of the all sides of a triangle. So if I consider there is three sides, consider A, B, and C for triangle ABC, then the ratio of the length of these three sides is 6:4:3. So if I assume K is a common factor here. सो 6K, 4K एंड 3K, ये तीनों जो होगी वो यहाँ पे होगी लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो 6K प्लस 4K प्लस 3K जो होगा वो हमारा होगा यहाँ पे 52, बिकॉज दिस आर द इंडिविजुअल लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल। सो 6 प्लस 4 10 13, 13K इक्वल टू 52, सो देयरफॉर K इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी यहाँ पे 6, 4, और 3, 3K विल बी द स्मॉलेस्ट साइड, तो 3 × 4 12, 3K इक्वल टू 3 × 4 यानी 12, 12 इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सो डी 12 सेंटीमीटर इज द आंसर, डी 12। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये थोड़े बहुत ईजी लेवल्स के थे, इनके एग्जाम में आने के चांसेस है बट थोड़े बहुत कम है, खास करके ऐसे आपका जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा मेन का उसमें नहीं आ सकते, बट जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, स्टेज वन एग्ज़ाम होता है आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे इसको, जितने भी सिम्बॉल्स दिए हैं उसको हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले डॉलर, सबसे पहले है हैश, यहाँ पर हैश का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन मतलब वो स्मॉलर देन और इक्वल्स टू होगा।
सेकेंड है डॉलर, डॉलर क्या है, नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या होगा वो स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल्स टू नहीं है, मतलब वो ग्रेटर देन होगा। ओके क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉल भी नहीं है, मतलब वो इक्वल्स टू होगा। स्टार है यहाँ पर नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू, नाइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दैट मीन्स स्मॉलर देन की बात कर रहा है वो। एट द रेट साइन है यहाँ पर लास्ट वाला, क्या है नॉट स्मॉलर देन, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सो सारे हमने डिकोड कर लिए स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला है एम डॉलर एन, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, सो एम इज ग्रेटर देन एन। ओके सेकेंड हम अभी नहीं देखेंगे, थर्ड वाला देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एन यहाँ पर दिया है। एन क्वेश्चन मार्क एच, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इज इक्वल्स टू, एन इज इक्वल्स टू एच दिया हुआ है। ओके एंड लास्ट में जो बीच वाला सेंटेंस था वो हम देखेंगे, जी एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच। सो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन वन बाय वन चेक करेंगे, एम एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या है ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच, एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच हो रहा है क्या, एम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच नहीं है, एम ग्रेटर देन एच है। ओके सो ये कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगी। सेकेंड है एम डॉलर जी, डॉलर का मतलब क्या है ग्रेटर देन, एम इज ग्रेटर देन जी। सो यहाँ पर देखेंगे एम यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, सो दोनों के बीच में कंडीशन नहीं बैठ रही, क्योंकि एम इज ग्रेटर देन एन है, एन और एच इक्वल है, और एच जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू जी है। ओके सो यहाँ पर एम और जी के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं बैठ रही। ओके सो ये गलत हो जाएगा, सो दोनों गलत होंगे हमारे, कंक्लूजन नंबर वन एंड कंक्लूजन नंबर टू दोनों गलत हैं। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इफ नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सैलरीज ऑफ ए बी सी, तीन लोग हैं ए बी सी, आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। If the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? यानी कि तीन लोग हैं A, B and C, तीनों की सैलरी का जो रेशियो है हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में वो ये है 2:3:5। तो फ्रॉम दिस आई कैन से द सैलरी ऑफ A, इफ आई कंसिडर K बी द कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे जो मेरा सैलरी ऑफ A विल बी 2K, similarly the salary of B will be 3K and salary of C will be 5K. After the increment, A को जो increment मिला है वो 15%, B को जो मिला है वो 10% और जो C को जो increment मिला है वो 20%. So, after increments, the salary of A will be 2K. So, 15% यानी कि 1.15 into 2K. Similarly, B का जो होगा वो 1.1 into 3K और सी का जो होगा वो होगा 1.2 into 5K। यहाँ पे 1.15, 1.1, 1.2 कैसे आया, सो जितना भी परसेंटेज दिया गया है, फॉर एग्जांपल 15% दिया गया है, तो मान लीजिए कि एक्स इसकी और न्यू ओल्ड सैलरी थी या फिर पुरानी सैलरी थी, तो इसका मैं 15% कंसिडर करता हूँ, तो 15% यानी 15/100 इंटू एक्स, सो इट विल बी 0.15x, तो 1.15x, सो 1.15 से मेरा ये फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, सो देखो यहाँ पे 1.15, जो भी मेरी पुरानी सैलरी होगी मैं उसको 1.15, 1.1 और 1.2 रिस्पेक्टिवली उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इनकी नई सैलरीज हो गई। तो पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या है, मतलब नई जो सैलरीज है इसका रेशियो पूछा गया है, सो देखो द न्यू रेशियो is A to B is to C is equal to 1.15 into 2K is to 1.1 into 3K is to 1.2 into 5K. तो अभी यहाँ पे जो K जो है वो तीनों में है, तो मैं dividing this ratio by K कर दूँगा, और at the same time यहाँ पे जो मेरे points है सारे, तो मैं ये जो ratio इसको multiply by भी 10 कर दूँगा, so multiply by 10
एंड डिवाइडेड बाई के, सो इट विल बी 11.5 इंटू टू, सिमिलरली 11 इंटू थ्री और 12 इंटू फाइव. तो ऑप्शन में देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि 60 और 33 ये की ऑप्शन है, 60 और 33. तो आपको एग्जाम्स में ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑप्शंस देख के आपका आंसर कंफर्म हो गया है तो ये आपका बोर्ड्स नहीं है, आपको एंड तक इसका आंसर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे ये पॉइंट पे ही पता चल गया था कि 11.1 इंटू 33, 12.5 60. तो मुझे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. और आप जब प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा 1.1 इंटू 33, 1.2 इंटू 5 60 और ये मेरा जो 1.15 है इंटू 2 यानी कि 11 इंटू 2 22 और जो 0.5 है वो 0.5 इंटू 2 यानी कि प्लस 1 सो 23. तो ये जो इतना जो फास्ट जो होगा वो आपका प्रैक्टिस के बाद आएगा. अभी के लिए आप पूरा एकदम इन डेप्थ कर रहे हो यानी कि 23 33 और 60 कर रहे हो, इट इज़ कंसिडरेबल. बट आप जब एग्ज़ाम्स में आप सॉल्व करोगे, आप जब मॉक सीरीज दोगे, प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, तो वो टाइम के आपको इतना ये जो इस तरह के जो सम्स है वो तो आपको विदाउट पेन एंड पेपर ही करना है, तो ही जाके आप अपना एग्ज़ाम होगा वो आप क्लियर कर पाओगे. बाकी ये जो मेथड है पूरा वो राइट है बट ये टाइम टेकिंग है. तो आपको ध्यान रखना है कि मैं ये जो मेथड है किस प्रकार से हमने किया है वो आप याद रखो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में. तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है डी, 23, 33 एंड 60. नाउ अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. If rupees 8400 is divided among 3% A, B and C in the ratio of 1/5, 1/6 and 1/10, then what is the share of A? So, सबसे पहले जो हमें फ्रैक्शनल रेशियो दिया गया है हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल रेशियो में. तो ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? ये तीनों का एलसीएम होगा 30. सो आई मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाई 30, सो इट विल बी 5 6 6 5 एंड 10 3. इसके बाद मुझे पूछा है कि वट इज़ द शेयर ऑफ ए. सो हमें ए का जो शेयर फाइंड करना है तो दो मेथड होगी इसकी, जैसे पहले बात किया 6k प्लस 5k प्लस 3k इक्वल टू 8400. तो यहाँ पे मेरा होगा 6 and 5 11 11 and 3 14k. सो k की जो वैल्यू आएगी वो होगी मेरी 14 6. तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए. तो शेयर ऑफ ए इज़ ए इक्वल टू 6 इंटू के. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि यहाँ पे जो रेशियो है ना ए बी सी का, वो रेशियो हमें दिया गया है 6:5:3. तो हम यहाँ पे ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, बट हम यहाँ पे ए इक्वल टू 6k, बी इक्वल टू 5k एंड सी इक्वल टू 3k लिख सकते हैं, कंसिडरिंग कि k जो हमारा है वो एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है ये रेशियो में, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक्चुअल अमाउंट मिल जाती है. तो ए इक्वल टू 6k, तो 6 इंटू के हमें जो मिला है 00600, तो 3600 हमारा एक आंसर हो गया. तो आंसर इज बी बॉम्बे. जो दूसरा मेथड था वो यही था कि 6 upon 6 and 5 11 14 इंटू टोटल हमारा कितना है 8400. आप ये करते तो भी आपका आंसर 3600 डायरेक्ट आ जाता. यहाँ पे आपके दो स्टेप हुए, यहाँ पे आपका एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता. सो यहाँ पे आंसर हमारा हुआ बी, ₹3600. मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ ए एंड बी इज 2:5 एंड द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ बी एंड सी इज 3:4. वट इज़ द रेशियो ऑफ एजिस ऑफ ए बी एंड सी. सिंपल प्रॉब्लम है दोस्तों, ए अपॉन बी दिया गया है 2:5, सिमिलरली बी इज टू सी दिया गया है 3:4 और हमें पूछा गया है कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा. तो इसके लिए हमने पहले ही बात किया था, हमारे जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो था हमने जो बनाया था जिसमें हमने सब डिस्कस किया था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे आपको कौन सा टाइप आपको कैसे सॉल्व करना है. तो आपने लेट्स से कि वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप वो वीडियो पहले देख ले, क्योंकि उसमें सारे के हमने कॉन्सेप्ट जो भी है इस चैप्टर्स के वो उसमें एक्सप्लेन किए हैं. ये वीडियो में तो हम सिर्फ केवल जो प्रॉब्लम्स जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है वो सॉल्व कर रहे हैं. तो जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आपको उसी वीडियो में क्लियर होंगे. तो वो वीडियो की लिंक भी मतलब हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, अदरवाइज आप हमारे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया ही है. सो ए एंड बी का रेशियो है 2:5, सो
बी एंड सी का 3:4। तो हमें जब तीनों का रेशियो कंबाइन रेशियो फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये फैक्टर और ये फैक्टर को सेम बनाते हैं। सो 3 and 5 का LCM तो 15 ही होगा। सो व्हाट विल आई डू इज a अपॉन b इक्वल टू 2/5। आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई 3 एंड कॉन्सिक्वेंटली आई विल मल्टीप्लाई दिस 3/4 बाई ऑल्सो 5/5। सो इट विल बी 6/15 a अपॉन b एंड b अपॉन c इज 15/20। तो वंस दिस टू नंबर्स आर सेम वी विल कंबाइन द ओवरऑल रेशियो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 6:15:20। तो ये हमारा आंसर हुआ 6:15:20, जो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। वो है इफ रुपीज 510 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स व्हाट 1/3 ऑफ सी गेट्स देन दे आर शेयर रिस्पेक्टिवली आर। तो ए बी और सी तीनों का जो शेयर है वो पूछा गया है, तो हमें वैल्यूज तीनों की फाइंड करनी पड़ेगी। जो टोटल मेरा वह होगा कितना, यहाँ पे टोटल मेरा है 510। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिया है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी। तो ए गेट्स, लेट अज्यूम दैट की कैपिटल ए इज द अमाउंट ऑफ मनी ए गेट्स, कैपिटल बी एंड सी आर द अमाउंट ऑफ मनी बी एंड सी आर गेटिंग रिस्पेक्टिवली। सो ए इज 2/3 ऑफ बी एंड बी इज 1, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे 1/4 आएगा, 1/4 बिकॉज 2/3 1/3 देयर विल बी नो कॉमन रेशियो। सो 1/4 सी। सो देयरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 एंड बी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे यहाँ पे कंबाइन रेशियो करना होगा क्योंकि मुझे एट द एंड तीनों को एक साथ ही कंपेयर करना है ए बी और सी को। सो व्हाट विल आई डू इज की आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1/1 एंड आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3/3। तो ए इज टू बी इज टू सी जो मेरा होगा वो होगा मेरा 2/3:12। यहाँ पे एक बात नोटिस करनी थी कि आपको रेशियो नहीं दिया गया था ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, बट आपको एक कंपैरिजन दिया गया था कोई एक मल्टीपल से कि ए इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। सो ये इन द सेंस एक रेशियो ही हो गया। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी, तो ये भी एक रेशियो ही हो गया। तो आपको दो रेशियो दिए गए थे और एक टोटल दिया गया था। सो आपको क्या करना था, आपको दोनों रेशियो मिला के एक कंबाइंड रेशियो बनाना था और उसके बाद जो भी आपके आंसर्स है आपको उससे कंपेयर करने थे 510 से, आपको 510 में से उसके फैक्टर्स निकालने थे। तो ए बी सी मेरा हो गया। तो इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं, केकी मेथड से भी करेंगे। अभी जब आपको कोई भी, हमारे पास दो मेथड थे इसको सोल्व करने की। एक जो मेथड थी वो केकी मेथड थी कि हम एक कॉमन मल्टीपल लेते फिर 2k+3k+12k करके जो भी आंसर आएगा के का फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वो कब सूटेबल है, जब आपको तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड करनी है, बट आपको सिर्फ कोई एक वैल्यू पूछी, आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी और व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ए। तो फिर आपकी जो सेकंड मेथड है वो यूजफुल होगी कि और सूटेबल होगी 3+2 5 17, यानी कि 3/17 इनटू टोटल। जबकि हमें ये क्वेश्चन में तीनों की वैल्यू पूछी है तो हम के वाली मेथड से ये सॉल्व करेंगे। सो 2k+3k+12k इज इक्वल टू 510। सो ये होगा मेरा 12+3 17, 17k=510, k=30। अभी पूछा है कि तीनों के शेयर्स कितने कितने होंगे इंडिविजुअली, तो 13 2 60 90 और 12 3 60 जो मेरे हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 90 एंड 360। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ बी यानी कि 60 90 360 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू अनदर प्रॉब्लम। अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन 2 persons पी एंड क्यू इन द रेशियो 3:5, बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3 एंड देयर बाई क्यू लॉसेज ₹10, वॉट वॉज द अमाउंट। तो कोई एक अमाउंट ऑफ मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है पी और क्यू के बीच में इन द रेशियो 3/5। उसके बाद यदि यही अमाउंट पी और क्यू के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहता इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो क्यू को 10 rupees कम मिलते, यानी कि क्यू लॉसेज 10 rupees, यानी कि जो पैसे मिले सेकेंड टाइम में वो फर्स्ट टाइम में जो पैसे मिले थे उससे 10 कम होते। यानी कि समझो कि मैं फर्स्ट केस में मैं इसका अमाउंट लूँ p=3x एंड q=3 q=5x,
सेकेंड केस में मेरा ये कॉमन फैक्टर सेम नहीं होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही रेशियो के लिए कॉमन रहता है, तो यहाँ पे मेरा होगा 2y और q मेरा होगा 3y। तो दिया गया है कि इन द सेकेंड रेशियो, सेकेंड डिवीजन जहाँ पे मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे q का 10 रुपये कम मिल रहा है, यानी कि 3y 5x माइनस 3y इक्वल टू 10, यानी कि ये जो अमाउंट था वो 10 से बड़ा था। और एट द सेम टाइम अमाउंट रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, तो ये केस में टोटल अमाउंट मेरा है 8x और ये केस में मेरा टोटल अमाउंट है 5y। सो देयरफॉर 8x इक्वल टू 5y, सो मेरा x होगा वो होगा मेरा 5y अपॉन 8। तो इसकी जो वैल्यू वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो 5 इंटू 5y अपॉन 8 माइनस 3y इक्वल टू 10, सो 25y माइनस 24y इक्वल टू 80, सो y इक्वल टू 80। सो y इक्वल टू 80 जो है वो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। और मुझे पूछा क्या गया था कि व्हाट वाज द अमाउंट, तो y मेरा 80 है, तो यहाँ पे टोटल 5 इंटू 80, क्योंकि 5y इज़ द टोटल अमाउंट एंड 8x ऑल्सो, सो 5 इंटू y 400 इज द माई अमाउंट दैट वॉज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ए अमाउंट पी एंड क्यू। तो 5y भी मेरा आंसर होगा और मेरा आंसर 8x भी होगा, दोनों का आंसर सेम ही होएगा 400। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 400 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन टाइप 2, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक अमाउंट है रुपीज़ 782, वो डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तीन पार्ट्स में, 1/2, 2/3, 3/4, कंबाइंड रेशियो भी कह सकते हो आप इसे। तो जो रेशियो है सबसे पहले वो लिखते हैं 1/2, 2:3 और 3:4। अब यहाँ पे 2, 3 एंड 4 हम इसको फ्लैट रेशियो बनाते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं रदर देन फ्रैक्शन। तो इसका जो LCM है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं ये रेशियो को। तो 4, 3 एंड 2, तो इसका रेशियो, इसका LCM तो 12 ही आएगा, सो 6 12 सो 8 और इसका 12 सो 9, 6, 8, 9 विल बी द रेशियो ऑफ इन विच दिस अमाउंट रुपीज़ 782 इज़ टू बी डिवाइडेड। तो अभी बात करना है कि द फर्स्ट पार्ट इज़, सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 6 है, तो दो मेथड है, एक तो आप इसको 6k प्लस 8k प्लस 9k इक्वल टू 782 लिखो, उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करो, और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको फिर आप वापस 6 से मल्टीप्लाई करो, के की जो के का जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। और दूसरा मेथड ये होता है कि आप 6 लिख दो, उसके बाद ये तीनों को ऐड करो, तो 9, 8 यहाँ पे मेरा होगा 17 और 6 मेरा होगा यहाँ पे 23 इंटू मेरा जो टोटल है 782। तो अभी मुझे देखना है कि 23 के कौन से टेबल में ये आएगा, सो 23 4 69 3 7 69 79 9 4 23 4 92 so 34 yes 6 into 34 so 6 4 24 2 18 204 so यहाँ पे जो ये सम हमने किया वो सेकंड मेथड से किया कि रुपीज़ 204 हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी। अभी ये मेथड से क्या होगा कि आप वही करते हैं, यहाँ पे आप 20 आपका 23 आता, उसके बाद 782 करते, फिर के की वैल्यू आप 782 अपॉन 23 से फाइंड करते, तो आपकी के की वैल्यू यहाँ पे 34 आती, और फिर आप 6 के करते 6 इंटू 34, तो यहाँ पे आया वही 204। सो मेथड दोनों सेम ही है, बट दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब अभी तो हमें सिर्फ ये एक ही रेशियो दिया गया है, बट आगे जाके समझ आएंगे जहाँ पे 2-3 रेशियो हो गए तो वहाँ पे ये पूरा आप इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको यही मेथड से करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी रुपीज़ 204। सो नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 200 एंड 27 माइनस अंडर रूट ऑफ 648। हमें दो नंबर्स दिए गए ए एंड बी, और हमें पूछा है कि दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शनल का पता होना बहुत ज़रूरी है। दो नंबर्स होते हैं ए एंड बी, सो ये दोनों का मीन प्रोपोर्शनल होता है ए इंटू बी इन अंडर रूट। सो द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर इज अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स।
तो ये सब में भी वही होगा, और वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस नंबर. सो 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 200 मल्टीप्लाइंग बाय 27 माइनस अंडर रूट ऑफ 648. सो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट्स इट विल बी 15 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 648 प्लस 27 इंटू अंडर रूट ऑफ 200 माइनस 648 इंटू अंडर रूट ऑफ 200. सो 15 इंटू 27 15 7 जा 105 15 2 जा 30 सो इट विल बी 405. अभी यहाँ पे 648, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारे सारे ऑप्शंस देखो तो कोई भी ऑप्शन में प्लस या फिर माइनस नहीं, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी दो नंबर के बीच में प्लस और माइनस नहीं है. तो जो भी आंसर हमारा है वो एक सिंगल टर्म में, राइट. तो यहाँ पे 648 है वो डेफिनेटली कुछ तो रिड्यूस होगा वो. सो लेट अस कंसीडर कि मैं उसको डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये होगा 15 2 इंटू 3 2 4 विद 3 2 4 यहाँ पे जो है वो हमें पता है कि वो 18 का स्क्वायर है 18. सो 27 और यहाँ पे तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 100 माइनस यहाँ पे 2 इंटू 324 इंटू 2 इंटू 100 तो यहाँ पे होगा 405 माइनस 15 इंटू 18 बाहर आ जाएगा रूट 2 प्लस 27 रूट 2 इंटू 10 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 यहाँ पे दो रूट 2 जो है वो एक साथ आ जाएंगे उसके बाद 18 इंटू 10. सो देयरफॉर 405 माइनस यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो होगा 2. सो 180 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 18 रूट 2 प्लस 270 रूट 2. तो अभी यहाँ पे फाइन करेंगे 18 इंटू 15 सो इट 18 फाइव जा 19 18 270 सो इट विल बी माइनस 270 रूट 2 प्लस 270 रूट 2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे होगा मेरा 405 माइनस 360 तो 360 प्लस 40 400 और ये 5 इट विल बी 45. तो ये जो मेरा हुआ वो मेरा हुआ ए बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स. बट मुझे फाइंड क्या करना है मीन प्रोपोर्शनल तो मैं क्या करूँगा मैं इसको करूँगा अंडर रूट ऑफ 45 सो इट विल बी 9 इंटू 5 एंड इट विल बी कॉन्सिक्वेंटली 3/5. सो यहाँ पे सी 3/5 इज माई करेक्ट ऑप्शन यानी कि मेरा जो आंसर है वो मुझे मिला आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स जिनका मुझे मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना था. सो द करेक्ट आंसर इज सी 3/5. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.